Rahim. My name is Sayyed Tawseef Mustafa. I'm assistant professor, computer science, Balochistan Residential College, Loralai. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल जो है वो क्लासेस जो हैं वो ऑफ हैं. इसी सिलसिले के अंदर हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का जो है एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं. उसी के लिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर 9th क्लास के लिए, जो उसका पहला यूनिट है जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. इसके अंदर जो है सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं कि कंप्यूटर को डिफाइन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स द रिजल्ट आउटपुट. इसके अंदर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, जो आप पिछली क्लासेस के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है. मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हम उसको देते हैं, उनको प्रोसेस करता है और उनको सॉल्व करता है. वो तो छोटी डेफिनेशंस हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब ये 9th ग्रेड के अंदर जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर की डेफिनेशन को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह उसको लिखते हैं, तभी आपको कोई जो है वो मार्क्स वगैरह इसके अंदर आपको मिल सकते हैं. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो किससे चलता है, बिजली से चलता है, विच टेक्स रॉ डाटा. यहां पर एक जो है एक टर्म यूज हुई है रॉ. रॉ किसको कहते हैं कि ऐसी चीज जो अनप्रोसेस हो, जो अभी प्रोसेस ना हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं रॉ. और जब वो एज एन इनपुट ये रॉ डाटा आपसे लेता है, उस रॉ डाटा को जब वो प्रोसेस करता है तो वो क्या बन जाती है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है और इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं आउटपुट. अब रॉ का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैं लिखता हूं 3 × 3 इज इक्वल टू, ठीक है. अब जब तक ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक इनके दरमियान ये मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, उस वक्त तक ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी. यानी आप इसको यूं कह सकते हैं कि 3 × 3 इज इक्वल टू 9. तो इसके अंदर जो है ये आपके पास जो ये 3 है ये आपकी इनपुट है, ये 3 जो है ये आपकी क्या है इनपुट है, और ये इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है एक प्रोसेस है, और उसके बाद ये जो आपको मिली इसको हम क्या कहेंगे ये क्या है रिजल्ट, या इसको हम क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, या इसको हम क्या कहते हैं आउटपुट. ये इसकी यानी रॉ जो हम रॉ डाटा है इसको कहते हैं. 3 जो है वो आपके पास रॉ फॉर्म में है, ये 3 भी आपके पास रॉ फॉर्म में है. जब इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस होने के बाद ये एक इंफॉर्मेशन की सूरत में आपके पास आ जाएगी. इसको हम क्या कहेंगे रिजल्ट भी कहेंगे, आउटपुट भी कहेंगे. तो क्या करता है कि रॉ डाटा आपसे एज एन इनपुट लेता है, उसके बाद उसको क्या करता है प्रोसेस करता है, और ये उस इनपुट को आप जो डाटा को प्रोसेस करता है वो किस तरह करता है कि जिस किस्म की आप उसको इनपुट देंगे उसी के हिसाब से डाटा को वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट देगा. इसलिए हम कंप्यूटर की एक जनरल सी डायग्राम बनाते हैं जो आम पहले भी आप शायद इससे फेमिलियर होंगे, पढ़ चुके होंगे कि कंप्यूटर जो है उसकी एक जनरल डायग्राम है जो मैं भी आपके सामने ड्रा करने जा रहा हूं. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. यानी ये जो इनपुट आप कंप्यूटर को देते हैं ये कई फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं. यानी आप इसको टेक्स्ट की फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में इसको इनपुट दे सकते हैं, आप इसको जो है वॉइस की फॉर्म में जो है आप इसको इनपुट, इमेज की फॉर्म में इसको इनपुट दे सकते हैं. वो जो है आपका जो है जिस तरह की आप उसको इनपुट देंगे
ये उस इनपुट को वैसे ही प्रोसेस करेगा और आपको वो क्या देगा, आउटपुट देगा। इसके अंदर क्या है कि किस फॉर्म में आप इनपुट दे सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, वॉइस की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको इनपुट देंगे, बेशक आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में दे, इमेज की फॉर्म में दे, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में दे, वॉइस की फॉर्म में देंगे, तो ये इस इनपुट को इसके हिसाब से क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। यानी अगर आप उसको टेक्स्ट देते हैं तो ये आपका प्रोसेसर जो है वो टेक्स्ट के हिसाब से उसको जो है वो प्रोसेस करेगा। अगर आप उसको कोई इमेज इनपुट दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से उसको प्रोसेस करेगा। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो स्कैनर की मदद से आप उसको देते हैं वो देते हैं तो आप वो उसी के हिसाब से प्रोसेस करेगा। आप उसको साउंड की फॉर्म में, वॉइस की आवाज में, किसी आवाज में, किसी फॉर्म में आप उसको इनपुट देते हैं तो उसको उसी के हिसाब से प्रोसेस करेगा और फिर आपको वो किस में देगा, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनेगी। यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि आप तीन फॉर्म के अंदर आप अपनी इनपुट जो है वो कंप्यूटर से ले सकते हैं। या तो आप उस इनपुट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। या आप उस इनपुट को सुन सकते हैं किसकी फॉर्म में, स्पीकर्स के मदद से। या आप उसको उसका क्या ले सकते हैं कि उसके हार्ड कॉपी ले सकते हैं, यानी उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट की फॉर्म में भी आप उसकी इनपुट ले सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की एक जनरल डायग्राम है, जनरल फॉर्म है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा यानी जो रॉ इनपुट आप उसको देते हैं उसको प्रोसेस करता है और वो किस में बन जाता है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में, एक मीनिंगफुल फॉर्म में बन जाता है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये एक जनरल डायग्राम है, इसकी जनरल डेफिनेशन है कंप्यूटर की। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि कंप्यूटर को क्या कहा जाता है कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। यानी ऐसे जो है प्रॉब्लम्स जो किसी भी टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस किसी भी फॉर्म में है उसको प्रोसेस करेगा आपका और उसको आपको कोई ना कोई रिजल्ट देगा। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की जनरल डेफिनेशन या जनरल डायग्राम। इसके अलावा जो कंप्यूटर की सबसे जो यानी सबसे जो बड़ा फायदा है कि ये इसकी इंफॉर्मेशन जो आप इसके अंदर जो डाटा देते हैं ये अपने पास उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आप इस डाटा या इंफॉर्मेशन को दोबारा रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब क्या है, जिसको दोबारा हासिल किया जा सकता है। यानी आप फ्यूचर यूज के लिए आप उसके बाद स्टोर करें, अगर आपको दोबारा किसी मुस्तकबिल में, किसी आगे फ्यूचर में आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप उसको दोबारा भी उसको क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी तीन यानी तीन क्वालिटीज हैं कि आप डाटा इसके अंदर बेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको रिट्रीव कर सकते हैं, और थर्ड क्या है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी उसको फ्यूचर यूज के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थ्री क्वालिटीज हैं। और दूसरा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो बल्क अमाउंट ऑफ डाटा हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस्तेमाल, यानी हम कोई चीजें भी इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज स्टोर करते हैं, अपने पास रखते हैं, किसी भी वो फॉर्म में हो सकता है, तो वो सारा पहले जो आप इससे पहले जो डिवाइसेस यूज कर सकते यूज करते थे उन डिवाइसेस के अंदर आप इस डाटा को जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बार बार। यानी हमें मैनुअल वर्क करना पड़ता था, सारा अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता था, वो जगह भी बहुत ज्यादा घेरते थे। यानी एक कमरों के कमरे जो है वो लोगों के जो है वो डॉक्यूमेंट से जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी उसके अंदर भर जाती थी, तो वो फ्यूचर के लिए उसको इस्तेमाल नहीं, यानी उसको ढूंढना फिर उसको इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल होता था। तो ये कंप्यूटर जब आया तो ये आपका बल्क ऑफ डाटा जो आप इसके अंदर यूज करते हैं, जो स्टोर करते हैं, उसको क्विकली और एक्यूरेटली जो है वो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और विद इन सेकेंड्स जो है वो आप डाटा जो है उससे आप हासिल कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो हासिल कर सकते हैं जो इससे पहले यानी कंप्यूटर से पहले तकरीबन नामुमकिन था। यानी वो चीजें जो आप इसके अंदर स्टोर करते थे, इसके अंदर रखते थे, वो आप अगर मैनुअल वर्क के अंदर, तो फर्ज करें अगर आप किसी बैंक के अंदर जो है वो आप कस्टमर हैं, आप उसके अकाउंट होल्डर हैं, तो जब उसके अंदर डाटा स्टोर होता था तो वो तमाम डाटा जो है वो मैनुअली उसके अंदर स्टोर किया जाता था। तो वो आप बुक्स लेट्स के अंदर अगर फर्ज करो एक कोई अकाउंट होल्डर आया है वो अपनी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता है, अपने अकाउंट को चेक करना चाहते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लेते थे उस अकाउंट को
चेकिंग वगैरह करने के लिए, उसको जो है उसको ढूंढने के लिए। तो ये कंप्यूटर की मदद से, यानी वो काम जो वो कई घंटे बिताकर, कई घंटे जो है उसके अंदर जो है वो उसको सर्च करने में लगाते थे, वो कंप्यूटर की मदद से चंद सेकंड्स के अंदर वो डाटा को जो क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और आपके सामने उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये इसकी एक जनरल सी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। और इसके अंदर यानी जो कंप्यूटर की जो इनपुट है, आप उसको प्रोसेस करते हैं और आपको जो आउटपुट मिलती है, ये जो इनपुट है यानी आप कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं कि ये एक जनरल पर्पस जो है वो डिवाइस है। जनरल पर्पस डिवाइस का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो आप इसको, यानी किसी खास मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसको कई मकासद के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस यानी प्रोग्रामेबल डिवाइस। यानी इसके अंदर ये जो प्रोग्राम्स हैं, यानी प्रोग्राम क्या होते हैं कि ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर किसी स्पेसिफिक टास्क, कोई खास काम करने के लिए जो है वो आप उसको लेता है, उसके बाद जो है वो आपके सामने कोई ना कोई उसको आउटपुट मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अक्सर कई बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये सारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंदर मौजूद है। आप उसको अपने जरूरत के हिसाब से उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। आपको इसके अंदर जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको जो है वो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिटेल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर डिवाइस है। यानी कंप्यूटर एक जनरल पर्पस डिवाइस है जो आप हर कई किस्म के मकासद के लिए उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफी है, मैंने इंट्रोडक्शन देंगे, इंशाल्लाह कल जो है वो हम इसके बारे में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर्स का इर्तका कैसे हो, कंप्यूटर ग्रेजुअली आगे कैसे जो है वो बढ़े, उनकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जो है वो हम उसके बारे में आपके कल हम इसे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, थैंक्स।